हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एलसी ओसिलेशंस। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलसी ओसिलेशन, हियर यू कैन सी दैट इन द सर्किट वी हैव इंडक्टर एंड कैपेसिटर एल एंड सी, बोथ आर प्रेजेंट, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सो इट इज नोन एज अ एलसी सर्किट। हियर वी नो दैट इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड इन इंडक्टर energy stored in form of what? Magnetic field. So here I can say in inductor and capacitor magnetic energy and electric energy are stored. So here I can say in capacitor and inductor electrical energy and magnetic energy will store in form of charge and current respectively. Why? Because we know that in a capacitor electric energy stored between the two plates of capacitor and its equation is what? Q square by 2C. And in inductor, energy stored in it in form of magnetic field, which is what? Half Li square. So here we can say that magnetic energy stored in the inductor in form of what? Current. Okay, here if capacitor initially fully charged, means charge on the capacitor is maximum, okay, and if it is connected across the inductor, okay, then the charge on the capacitor and the current in the circuit both performs what? Electrical oscillations like a mechanical oscillator. We already see in 11th standard in chapter number 14. So here that electrical oscillations are known as what? LC oscillations. So here we can say if capacitor which is initially charged, okay, connected to an inductor, the charge and capacitor charge and current both performs electric oscillations, performs electric oscillations like mechanical oscillator, like a mechanical oscillator in a simple harmonic motion. So this oscillations of charge and current, okay, is called LC oscillation. ऐसे oscillation को क्या कहते हैं बच्चों? LC oscillations. ठीक है. Now let's see the differential equation of charge in a LC circuit, okay, and its solution. जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 14 में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैकेनिकल ऑसिलेटर था, ठीक है, उसका इक्वेशन देखा था, सेम एज यहाँ पे चार्ज ओसिलेट कर रहा है, करंट ओसिलेट कर रहा है, तो हम लोग उसका इक्वेशन देखेंगे, ठीक है. एंड सो फॉर इट लेट अस कंसीडर दैट लेट एट टाइम t इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन द कैपेसिटर is maximum, okay, means capacitor is fully charged, means I can say means capacitor is fully charged, okay, and current in the inductor is zero, and current in the inductor is
जीरो। ओके नाउ अब देखो बच्चों, टी इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन कैसे होगी। यहाँ पे एक स्विच रख देते हैं, ये स्विच क्या होगी, ओपन होगी। स्विच ओपन है मतलब बच्चों ये सर्किट क्या है, ओपन है, ठीक है। अब जबकि ये सर्किट ओपन है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही सेम इंस्टेंट पे टी इक्वल टू जीरो अगर मैं स्विच क्लोज कर देता हूँ बच्चों, तो क्या होगा, सही है, आई कैन से एट द सेम इंस्टेंट इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, देन द चार्ज विच इज डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। हाउ, क्योंकि जैसे ही आप ये सर्किट कनेक्ट करोगे, मतलब मैंने इंडक्टर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब जैसे ही ये इंडक्टर कनेक्ट हो गया, ये चार्ज सर्किट कंप्लीट हो गया, इसीलिए फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, इसमें इनिशियली करंट क्या था, जीरो था, मतलब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर थी, जीरो। इसमें चार्ज कितना था, मैक्सिमम था, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर थी। जैसे ही आपने स्विच कनेक्ट किया, ये चार्ज कैपेसिटर का क्या होगा, ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। सो हियर वी कैन से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके सो एट द सेम इंस्टेंट इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर देन करंट इन द सर्किट स्टार्ट फ्लोइंग। मीन्स वी कैन से दैट करंट इज वॉट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली कैपेसिटर से आ रहा है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये सर्किट में करंट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। सो हियर आई कैन से इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर देन करंट इन द सर्किट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ओके सो हियर आई कैन से सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड करंट इन द सर्किट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके अब देखो बच्चों, करंट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कैपेसिटर जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो हियर आई कैन से सो dq बाई डी टी विल बी नेगेटिव, ओके, बट डी आई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन डी आई बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज ओवर हियर। सो हियर इफ वी अप्लाई ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल, ओके, इन दिस सेंस, सो व्हाट हैपेंस हियर, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव रेट ऑफ कैपेसिटर देन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर वी नो दैट इट इज क्यू बाई सी। ओके हियर करंट इज एंटरिंग टू दिस एंड ए एंड लीविंग द इंडक्टर फ्रॉम दिस एंड बी। सो हियर this end of the inductor must be positive and this end will be negative, okay. So here ye end aapka positive hoga, ye negative hoga, and current as always flows from higher potential to lower potential. So here I can say potential at A must be greater than potential at B. humne chapter number 6 mein dekha tha ki jo end se current enter hota hai wo positive hoga, jo end se leave hota hai wo negative hoga, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये एंड का जो पोटेंशियल है वो ये एंड से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। सो हियर आई एम सेइंग अप्लाइंग
किरचॉफ्स लूप रूल। तो किरचॉफ का लूप रूल बच्चों ये अप्लाई करेंगे तो देखो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल Q by C माइनस इंडक्टर के अक्रॉस जिसका इंडक्टेंस L है वो कितना होगा माइनस L di by dt, ये नेगेटिव एंड से करंट लीव हो रहा है ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू वापस आ गया कैपेसिटर पे कितना हो गया जीरो ठीक है। तो ये Q by C एज इट इज माइनस L। बच्चों देखो di by dt कैसा है पॉजिटिव है लेकिन dQ by dt कैसा है नेगेटिव। सो हियर आई कैन से d by dt L into di by dt, I कितना है बच्चों वो क्या होता है dQ by dt, वो dQ by dt नेगेटिव है ठीक है। तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि I कितना है माइनस dQ by dt, लेकिन di by dt बच्चों पॉजिटिव है याद रखना करंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो Q by C प्लस ये क्या होगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर और ये वाला एल एज इट इज एंड दैट इज इक्वल टू सी ठीक है। चलो इक्वेशन को अगर एल से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे एल से डिवाइड होगा प्लस इसको एल से डिवाइड करेंगे तो क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एल को क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं और सामने भेज दो तो भी यही फॉर्म आएगा ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन हैज अ सेम फॉर्म, ये किसके जैसा फॉर्म आया बच्चों याद करो, ये हमने 11th में सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए ओसिलेशंस का जो इक्वेशन देखा था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसा आया। सो हियर आई कैन से सो हियर वहाँ पे x कंटिन्यूसली वेरी हो रहा होता है ठीक है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओसिलेटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन और यू कैन से मीन पोजिशन। सेम यहाँ पे चार्ज किसके जैसे ओसिलेट कर रहा होता है देखो वो मैकेनिकल ओसिलेटर के जैसे, जैसे यहाँ पे x वेरी हो रहा है यहाँ पे q वेरी हो रहा है। तो अगर आप ये तीनों इक्वेशन को भी कंपेयर करोगे तो भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि चार्ज क्या हो रहा है ओसिलेट कर रहा होगा क्योंकि इक्वेशन किसका है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो ये रहे कैन से दिस इक्वेशन हैज अ सेम फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एन ओसिलेटर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये रहे कैन से सो चार्ज परफॉर्म्स चार्ज क्या परफॉर्म कर रहा होगा ओसिलेशंस परफॉर्म कर रहा होगा चार्ज परफॉर्म्स ओसिलेशंस विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों उसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी कितनी मिलेगी आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो x की जगह हमारे पास q है और ओमेगा जीरो स्क्वायर की जगह पे आप लोग लिख सकते हो वन ओवर एल सी। Therefore, you can say omega 0 is equal to what? 1 over under root LC. It is the natural angular frequency of a charge performing LC oscillation in a LC circuit. Okay, so equation of this charge Q, okay, which is oscillating with a angular frequency omega 0 at any time t, we can give it same as we already given in a 11th standard in a chapter number 14 okay for mechanical oscillator. So here I can say so charge q at any time t okay is given by let it be q equal to qm sine omega 0 t plus phi. Obviously ये साइन और कॉस के टर्म में होगा ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है कॉस के टर्म में एज्यूम कर लेते हैं ठीक है क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो ये साइनोसॉइडली वैसे वेरी कर रहा होगा ठीक है। मतलब ये साइन या कॉस किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। हमने एज्यूम किया है कि ये चार्ज क्यू इक्वल टू कितना है क्यू एम कॉस ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव जितना ठीक है।
Now we already know that here Q m is the maximum charge and phi is what phase constant. Let's write it here. Q m is maximum charge and phi is what? Phi is a phase constant. Okay. Now we already see the initial condition. In initial at time t equal to zero charge on the capacitor is maximum as it is fully charged and the current in the circuit is zero, means current in the inductor is zero. So here I can say from initial conditions, बच्चों अगर इनिशियल कंडीशन हम लोग देखें तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, q कितना था, qm जितना था. सो ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पे रख देंगे तो q की जगह पे क्या होगा, qm सामने, qm एज इट इज cos, यहाँ पे देखो ओमेगा जीरो t, t इक्वल टू जीरो पे ये पूरा टर्म हम लोग जीरो हो जाएगा. यहाँ पे t इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, पूरा टर्म जीरो होगा, क्या बचा cos का, qm qm कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आया cos phi, मतलब phi कितना होगा आपका बच्चों, 0. क्योंकि cos फंक्शन में cos की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, cos 0 1 होता है, तो आपका फेज phi कितना होगा, 0 होगा. ठीक है. सो चार्ज q एट एनी टाइम t, चलो इनिशियली बच्चों मतलब t इक्वल टू जीरो पे फेज जीरो होता है, यह हमें पता चल गया. ठीक है, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस चार्ज और करंट के बीच में जीरो है. q इज इक्वल टू ये क्यू एम, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, cos ओमेगा जीरो t, ये फाइव की जगह पे जीरो. तो ये हो गया चार्ज का इक्वेशन. ओके, चलो आपको बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन चार्ज का डिराइव करो एलसी एलसी सर्किट के लिए और उसका सॉल्यूशन निकालो. तो ये हो गया चार्ज का इक्वेशन. अब निकालते हैं करंट. बच्चों करंट आई क्या होता है, आई यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज चार्ज डिक्रीजेस विद टाइम ओवर ईयर. सो आई माइनस डी क्यू बाई डी टी, सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉट क्यू, क्यू बच्चों कितना है, क्यू एम कॉस ओमेगा जीरो टी, क्यू एम कॉस ओमेगा जीरो टी. ठीक है, वो यहाँ पे रख दिया. अब देखो यहाँ पे ये माइनस क्यू एम एज इट इज कॉन्स्टेंट, कॉस ओमेगा जीरो टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा जीरो टी. लेकिन ये माइनस साइन ओमेगा जीरो टी और इसका फिर से करेंगे हम लोग ये आर्ग्यूमेंट का, तो उसका कितना होगा, ओमेगा जीरो टी का होगा. और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस साइन था. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बनेगा, क्यू एम, ये ओमेगा जीरो लिख देते हैं आगे, साइन ओमेगा जीरो टी, ये आ गया आपका करंट आई का इक्वेशन. अगर इसको कंपेयर करें आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा जीरो टी के साथ, तो आपका मैक्सिमम करंट आई एम कितना होगा, क्यू एम इंटू ओमेगा जीरो. सो हियर आई कैन से वेर Qm into omega 0 is equal to क्या होगा, Im होगा. ठीक है, तो आप करंट I का इक्वेशन लिख सकते हो, I is equal to Im sin omega 0 t. Okay, now let's see how this LC oscillations of charge and current takes place in this circuit with the help of what. Now let's see how the oscillations of charge and current takes place in a LC circuit. So here you can see the situation of LC circuit at different instant of time. Okay, here initially you can see that at time t equal to zero, energy stored in the capacitor is what, Qm square by 2C. Okay, and at that time current in the inductor is zero, current in the circuit is zero. Okay, so energy stored in form of magnetic field UB is equal to what, zero. So here I can say initially the capacitor is fully charged,
एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज qm square by 2c. Let this energy is unit denoted by ue because it is in form of electric field. So it is ue is equal to qm square by 2c, and as current in the inductor is zero, so energy stored in it, let it be UB, is equal to zero. So total energy कितनी होगी? Total energy U is equal to UB plus UB. लेकिन ये UB कितना है? जीरो है. So किसके इक्वल होगी? UE के इक्वल, यानी कि QM square by 2C के इक्वल ही होगी. As shown in a figure A, you can say as shown in figure A at T equal to zero. After some time passes, okay, over here at t equal to t by 8, कुछ time pass होने के बाद के बारे में बात कर रहे, ठीक है? तो तब क्या होगा यहाँ पे? तब जो है current flow हो रहा होगा, कुछ charge जो है यहाँ से क्या हो गया, कुछ charge जो है यहाँ से current flow, current के form में flow होके निकल गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और करंट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. लेकिन बच्चों एट टी इक्वल टू टी बाई एट, ये इंस्टेंट पे क्या होगा? यहाँ पे जो चार्ज था वो 50% हो जाएगा. यहाँ पे जितना चार्ज डिक्रीज हुआ उतना ही यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे इंडक्टर में स्टोर होगी. तो ये वाले इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम हो. ओके, एडिशनल एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग ये डिराइव करेंगे कि वो इंस्टेंट जब मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम होती है एलसी सर्किट में, वो इंस्टेंट कौन सा होता है? टी इक्वल टू टी बाई एट वाला इंस्टेंट होता है, ठीक है? चलो, सो ये आई कैन से एज टाइम पासिस क्यू डिक्रीजेस and I increases, so here I can say magnetic energy stored in inductor increases with time. At one instant of time t equal to t by 4, ये वाले इंस्टेंट पे, ठीक है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा होगा, दोनों इक्वल कब होगी बच्चों? t by 8 पे. लेकिन ये एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम t equal to t by 4 पे क्या हो गया आएगा? ऑल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ओके, गोज इन फॉर्म ऑफ करंट, और यू कैन से द करंट इन द इंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम. ओके, सो हियर आई कैन से टी इक्वल टू टी बाई फोर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स जीरो एंड करंट इन इंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम. ओके, लेट इट बी मैक्सिमम करंट आई है. सो एनर्जी यू ई कितना हो जाएगा? जीरो. कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी? जीरो. ओके, एंड एनर्जी स्टोर्ड पूरा लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज यू ई इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर, कैपेसिटर का हमने यहाँ पे लिख दिया, वो जीरो होता है. इंडक्टर में क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा? यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई एम स्क्वायर.
वेयर आई एम इज द मैक्सिमम करंट। ओके, इनिशियली अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो कुछ ऐसे सिचुएशन होगा नीचे की तरफ, जैसे ये करंट पास हो रहा है, सपोज हम लोग कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से गिनते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कन्वेंशनल करंट यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आएगा और इस तरफ के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, नेगेटिव चार्ज भी सामने कम होगा, कोई एक इंस्टेंट पे क्या होगा, जब पूरी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, जीरो, आप देख सकते हो कैपेसिटर अनचार्ज है, डिस्चार्ज हो चुका है कम्प्लीटली, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी और वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या होगा, जैसे ये यहाँ से टोटल ये कम्प्लीटली चार्ज हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, ये कम्प्लीटली चार्ज होगा, फिर करंट ऐसे फिर भी आगे फ्लो करेगा, जैसे ही करंट ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, इसमें करंट डिक्रीज होगा और कैपेसिटर में वापस चार्ज डेवलप होना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ पे दिखा है कि जैसे ही अब यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगा आगे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्टेंट क्या होगा, नेक्स्ट इंस्टेंट के बाद, जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट के बाद जब ये मैक्सिमम हुआ तब क्या होगा, द करंट और यू कैन से चार्ज, ओके, इन द कैपेसिटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन एंड नेक्स्ट इंस्टेंट पे, अभी देखो कैपेसिटर का चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट फ्लो ऐसे हो रहा होगा, वही यहाँ पे करंट जब ऐसे फ्लो होगा इसकी एनर्जी वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे फिर से चार्ज डेवलप होना स्टार्ट करेगा, मतलब वो पॉजिटिव यहाँ पे होगा अभी, ठीक है, और ये वाली सर्किट हमारी नेक्स्ट वाली थी, तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो गया, डेवलप हो गया, तो अब ये एरो जो है कुछ ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे होता है डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। सो ये आई कैन से द चार्ज इन द कैपेसिटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन एंड करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओके, एट इंस्टेंट टी इक्वल टू टी बाई टू, नेक्स्ट वाले इंस्टेंट पे अब ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से पूरा करंट यहाँ पे देखो, यहाँ से जितनी एनर्जी स्टोर थी इंडक्टर में वो पूरी यहाँ पे चली जाएगी, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ था, अब ये क्या आया ऊपर की तरफ, देखो ये पोलैरिटी देखो प्लेट्स के, नीचे नेगेटिव था ऊपर पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया ऊपर नेगेटिव हो गया, मतलब पोलैरिटी क्या हो गए, रिवर्स हो गए, कहाँ पे, टी इक्वल टू टी बाई टू पे कम्प्लीटली पोलैरिटी रिवर्स हो गए, ठीक है। सो हियर आई कैन से द चार्ज इन द कैपेसिटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन एंड करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट द इंस्टेंट, डिक्रीजिंग नाउ एट द इंस्टेंट टी इक्वल टू टी बाई टू कैपेसिटर इज अगेन फुल्ली चार्ज्ड, ओके, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट becomes maximum again, okay. Now let's see this concept, okay, in a short, okay. So यहाँ पे एकदम easily ये concept को समझते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो initially एक capacitor था, ऐसे charge positive था, ये negative था, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा, जैसे ही आप ये circuit connect करोगे, यहाँ पे एक ही circuit में पूरा explanation कर रहे हैं सर, जैसे ही आप सर्किट कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो से जा रहा है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अब ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक कोई एक टाइम पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कहाँ पे, टी इक्वल टू टी बाई फोर पे, यहाँ पे आ गए आप लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हो गया टी इक्वल टू टी बाई फोर इंस्टेंट। अब जैसे ही वापस क्या होगा, ये जो एनर्जी फुल्ली स्टोर मैक्सिमम हो गई थी,
वापस करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा था तो ये एंड पॉजिटिव बनता जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव बनता जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव उतना निकल रहा है तो पॉजिटिव निकल रहा है, यहाँ पे इतने नेगेटिव के साथ इसको न्यूट्रल कर देगा तो यहाँ पे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दिखा है, आप देख सकते हो। फिर क्या होगा, यहाँ से कम्प्लीटली चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, पूरी एनर्जी ऐसे जा रही है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया था कैपेसिटर, ठीक है, जब यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम थी। अब ये वापस फुल्ली चार्ज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे वो कौन सा इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो ये वाला जो इंस्टेंट यहाँ पे था वो टी बाई फोर था, अब यहाँ पे पहुँच गया आप, ये इंस्टेंट कितना आया, टी बाई टू आया। फिर ये प्रोसेस वापस होगा यहाँ पे, फिर ये ऐसे वापस जाएगा ऐसे, ठीक है, वापस पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे जैसे हो गई है, ठीक है। ये पोलैरिटी वापस रिवर्स हो गए, प्लस यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो सिचुएशन था, वापस यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 माइनस, फिर वापस ऐसे, मतलब चार्ज जो है वो ऐसे ओसिलेट करता रहेगा बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर थ्रू दी इंडक्टर। सो ऐसे ओसिलेशन की बेस्ट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, बेस्ट डेफिनेशन दैट इन एलसी सर्किट द चार्ज ओसिलेट्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर थ्रू दी इंडक्टर, ओके। सो दैट ओसिलेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एलसी ओसिलेशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलसी ओसिलेशन, ओके। दैट सो हियर आई कैन से इन एलसी सर्किट चार्ज ओसिलेट्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर through what, through an inductor, this oscillation of charge or you can say current also is called LC oscillations, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, LC oscillations, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो T इक्वल टू T बाई एट पे क्या होगा, दोनों में इक्वल एनर्जी स्टोर होगी, T इक्वल टू T बाई फोर पे क्या होगा, कम्प्लीटली एनर्जी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से कम्प्लीट यहाँ पे आओगे T इक्वल टू T बाई टू पे, वापस क्या हो जाएगा, पूरा वापस एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा साइकिल वापस ऐसे फिर ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है, पॉजिटिव से ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो आपकी एक कंप्लीट साइकिल कैसे होती है, ये ऐसे फ्लो हुआ, ये हो गया हाफ साइकिल, यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, तब जाके आपकी एक साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आप देखो यहाँ से ये एनर्जी यहाँ पे पहुँचे तो ये साइकिल आपका टी बाय कितना हुआ, फोर हुआ, यहाँ से आप यहाँ पे पहुँचे तब वो टी बाय टू होगा, ठीक है। सेम वापस आप यहाँ से यहाँ यहाँ पे पहुँचोगे तब आपका एक कंप्लीट साइकिल टी होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता ही रहता है। सो हियर आई कैन से दिस प्रोसेस इज गोज ऑन एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। लेट्स सी द एनालॉजी बिटवीन मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम ओवर हियर। हमने 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिकल ऑसिलेटर जो कि सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। यहाँ पे ये वाला जो है वो मैकेनिकल सिस्टम के लिए है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। सॉरी, तो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा जीरो एक्स का ओमेगा जीरो स्क्वायर अपना क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, और यहाँ पे हमारा उसकी जगह एल सी आता है, तो ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एल सी, सो ओमेगा जीरो आता है वन ओवर अंडर रूट एल सी। मतलब जहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास मास होता है वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनालॉजी उसकी क्या होगी, इंडक्टर्स एल। यहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के होता है उसकी जगह पे यहाँ पे अपने पास क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे चार्ज होगा,
यहाँ पे dx by dt वेलोसिटी होता है, तो ये q का यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट आता है। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, यू ई प्लस यू बी, यू ई इज अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यू स्क्वायर बाई टू सी, एंड हाफ एल आई स्क्वायर इज वॉट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सो हियर वी हैव द एनालॉजी बिटवीन द मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ओके, इट इज नॉट दैट मच यूजफुल फॉर अ स्टेट बोर्ड, ओके, बट इट मे बी यूजफुल फॉर जे डबल एन नेट, ओके। नाउ हियर एज वी ऑलरेडी सी दैट दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट गोज ऑन, बट इन प्रैक्टिस दिस एलसी ओसिलेशंस आर नॉट रियलिस्टिक। वाई? बिकॉज वी कैन से इन एलसी ओसिलेशन वी हैव टू रीजन why it is this process is not continuous process. We have two reasons. Reason number one, that this inductor must have some resistance, okay. So here the energy must loss in form of, you can say, P is equal to I square R. P equal to I square R ke form mein energy kya ho jayegi, loss ho jayegi, kyunki yahan pe inductor ka resistance hai, energy loss hogi. तो ये चार्ज और करंट के जो ऑसिलेशंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। सो हियर वी कैन से एज इंडक्टर हैज सम इट्स रेजिस्टेंस, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर रिलीज, ओके, दैट डिसिपेट्स। सो हियर एनर्जी ऑफ चार्ज विच इज ऑसिलेटिंग एंड हेंस वी कैन से मैग्नेटिक एनर्जी as I is also decreases, the magnetic energy half L I square is also decreasing. So oscillations of charge and current gets damped with respect to time. अब ये oscillations damp हो रहे हैं, reduce हो रही है, so we can say, and eventually this oscillations dies out, okay. The second reason is, if resistance is not zero, then also we can say some amount of energy radiates in form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रेडिएट होती है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है, सपोज वो एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच, ठीक है। वो जो रेडिएशन एमिट हुआ वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, जहाँ पे टाइटल है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन, ठीक है, कि ये जो वेव एमिट होगा अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच एफ, और यू कैन से एच सी बाय लैम्बडा जितनी उसकी एनर्जी होती, मतलब एफ एफ जितनी फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन क्या होता है, एमिट होता है। तो यही कंसेप्ट टीवी एंटेना और रेडियो एंटेना में यूज होता है। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि कोई चैनल, आपको बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, हमने रेजोनेंस पे पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स आपके टीवी पे आ रहे होते हैं, ठीक है, बट आपको कोई एक पर्टिकुलर चैनल देखना है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ रिमोट। तो जब आप रिमोट प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो एलसी सर्किट का कैपेसिटेंस वेरी होता है, कैपेसिटेंस ऐसे वेरी होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा जीरो इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट एल सी, एस सी वेरी करोगे तो ओमेगा जीरो वेरी होगा, और ये फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है, वो चैनल की फ्रीक्वेंसी जिस जो आप देखना चाहते हो उसके साथ क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है, आपका जो टीवी का रिमोट होता है उसमें एक एलसी सर्किट होती है बच्चों, यस इट इज़ अ ट्रू। जैसे ही आप रिमोट का वो स्विच वो चैनल के लिए प्रेस करते हो, तुरंत क्या होता है, वो एलसी सर्किट में से एनर्जी का एक रेडिएशन, ठीक है, वो एमिट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप जो चैनल देखना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, वो इतनी एनर्जी का रेडिएशन एमिट हुआ वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप जो देखना चाहते हो तुरंत टीवी पे आ जाती है, ठीक है। सो हाउ दिस एलसी सर्किट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ मोबाइल, इन अ एसी रिमोट, इन अ टीवी रिमोट, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर।
आई होप इट इज क्लियर. एंड हियर द कंसेप्ट दैट हाउ एट टी इक्वल टू टी बाई एट द टू एनर्जी बिकम्स इक्वल, हाउ द एनर्जी इज कम्प्लीटली मैग्नेटिक एट टी इक्वल टू 3T/8, ओके, एंड हाउ इट इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक एट टी इक्वल टू T/2. वी विल सी इन एडिशनल एक्सरसाइज इन फर्स्ट सम ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके.